असल वरम्ह बरकातहू और अब मैं आपको बताऊंगी आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस पेमेंट के हवाले से तो पेमेंट की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर है और अगर आप एक यूट्यूबर हो या बनने का सोच रहे हो या आपकी पेमेंट अभी आनी है तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूट्यूब आपको पैसे देता कैसे है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यूट्यूब खुद कैसे पैसे कमाता है यूट्यूब एक ऐड बेस कंपनी है तो क्या होता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे कि आईफोन या सैमसंग या आपके घर में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट है जैसे कि हेयर प्रोडक्ट या कोई भी फेशियल प्रोडक्ट है तो ये कंपनीज जो है जब यूट्यूब के ऊपर अपनी एड्स चलवाती हैं ठीक है तो आप यूट्यूब जो है उसमें से 45% फ़ाइव परसेंट जो ख़ुद रख लेता है और फिफ्टी फाइव परसेंट बाकी यूट्यूबर्स को दे देता है ठीक है अब इसको मजीद आसान समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है लक्स की कंपनी है उन्होंने अपने जो है टेन थाउजेंड यूट्यूब को दिए हैं कि ये आपने हमारी जो एड है ये यूट्यूब की वीडियोस पर चलानी है तो वो क्या करेंगे कि इसमें से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड खुद रख लेंगे और फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो है तमाम यूट्यूबर्स के अंदर बांट देंगे अब इसमें क्या होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स को इस एड के ऊपर वन डॉलर मिलेगा बहुत से को हंड्रेड डॉलर मिलेगा बहुत से को फाइव हंड्रेड डॉलर भी मिल सकता है ठीक है डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा ये ऐड जो है वो आपके चैनल के ऊपर देखी गई है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इनवेलिड क्लिक करो या खुद ही अपनी ऐड देखना शुरू कर दो इससे आपका चैनल जो है वो डिमोनीटाइज हो जाएगा अच्छा अब यहाँ पर तो ये समझ आ गया कि YouTube किस तरह से आपको पैसे देता है और खुद किस तरह से पैसे कमाता है अब आप किस वक्त पैसे कमाना शुरू करते हो इसकी तरफ जाते हैं जब आपके पास 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो आप यूट्यूब के लिए मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हो उससे पहले जितनी भी एड्स आपके चैनल पर चलती हैं वो सारी की सारी हंड्रेड परसेंट यूट्यूब खुद रखता है उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता है अच्छा इसके अलावा जब आप भेज देते हो मोनिटाइजेशन के लिए तो आपको थ्री स्टेप वेरिफिकेशन जो है उसको कम्प्लीट करना होता है और ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अगर आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हो ना तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा और अगर आप कहीं पर भी गलती कर देते हो तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा इसलिए लाजमी किसी एक टेक वाले बंदे को ज़रूर आप देखा करो ताकि आप कोई बेवकूफी ना कर बैठो जिसकी वजह से आपके हज़ारों डॉलर जो है वो खाई में चले जाए जो कि आपको मिलने थे वो अब आपको मिले ही ना तमाम वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो और सब कुछ यानी कि आपका कंप्लीट हो जाता है देन एक और स्टेप होता है कि आपको पिन वेरीफ़ाई करनी पड़ती है अपने एड्रेस के साथ अच्छा अगर इसमें आपको इश्यू आ रहा होता है या बार बार पिन अप्लाई करने के बाद भी पिन नहीं आ रही होती तो आप सिर्फ दो मिनट के अंदर जो है अपनी पिन को वेरीफ़ाई कर सकते हो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है और उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो आप जाकर देख सकते हो वो वीडियो आपको लाजमी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपनी पिन वेरिफिकेशन के लिए और जैसे ही आपकी पिन वेरिफिकेशन हो जाती है आप अपना बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक करते हो और बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है अगर आप देखना चाहोगे तो ठीक है और एक दफ़ा ये तमाम वेरीफिकेशन करने के बाद ये होता है कि आपको हंड्रेड डॉलर तक करना पड़ता है ख़ासतौर तो पे एशिया के अंदर आप कम से कम भी जब हंड्रेड डॉलर करोगे उस टाइम पर आपको आपकी पेमेंट मिलेगी लेकिन इसके अंदर एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है के फॉर एग्जाम्पल पहली जनवरी से लेके कर थर्टी जनवरी तक आपकी जितनी भी अर्निंग हुई थी फॉर एग्जाम्पल आपकी फिफ्टी डॉलर अर्न किए थे आपने फर्स्ट जनवरी से थर्टी जनवरी तक ठीक है वो आपके यूट्यूब स्टूडियो के अंदर शो होंगे एडसन के अंदर शो नहीं होंगे जैस जैसे ही आएगी ग्यारह फरवरी तो अब जनवरी के जो पैसे हैं वो ग्यारह फरवरी को आपको एडसन्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे अब जैसे ही एडसन्स के अंदर शो होना शुरू होंगे तो तकरीबन तकरीबन जो है आपको 21 फ़रवरी को वो जो है पेमेंट एडसेंस आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा देन एक दफ़ा 21 फरवरी को जब एडसेंस आपके पैसे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगा तो विद इन फाइव वर्किंग डेज जिनके अंदर छुट्टियां नहीं होनी चाहिए सैटरडे संडे ईद की छुट्टियां या किसी भी फेस्टिवल की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए तो वर्किंग डेज के अंदर पाँच दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी आपके बैंक के अंदर अच्छा अगर आपने बैंक नहीं आपने इसके साथ कनेक्ट किया होगा तो आपकी पेमेंट जो है वो नहीं जाएगी और अगर आपने बैंक कनेक्ट किया होगा और किसी रीज़न से आपके बैंक ने वो रिसीव नहीं की और आपने भी ज्यादा पूछकिछ नहीं की तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूट्यूब आपके पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेता है इसलिए अगर बैंक के अंदर पैसा नहीं आया है या आपको पैसे रिसीव नहीं हुए तो जल्द अज जल्द कोई ना कोई एक्शन ले बैंक के अंदर जाए यूट्यूब से रब्ता करें कुछ इस तरह से करें वरना वो जो आपके पैसे होंगे वो कहाँ जाएंगे कहाँ गए हैं या क्या उनका होगा उसकी यूट्यूब कोई गारंटी नहीं लेता क्योंकि क्या होता है कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनमें आसानी के साथ पेमेंट आ जाती है लेकिन जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा इशू होता है फ़र्स्ट पेमेंट आपको खुद रिसीव करनी पड़ती है देन नेक्स्ट जो पेमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन फ़र्स्ट पेमेंट के लिए आपको कुछ प्रूफ्स वग़ैरह देने पड़ते हैं और जो है आपको कुछ ना कुछ लाइक करना पड़ता है ताकि आपकी पेमेंट जो है फ़र्स्ट टाइम के लिए आ जाए अगर अगर आपका प्राइवेट बैंक भी है फिर भी मैं कहूँगी कि आप एक बार जो है अपने प्राइवेट बैंक के पास भी जाकर अपनी पेमेंट जो है उसको अच्छे से रिसीव कर लो फर्स्ट पेमेंट का थोड़ा सा इशू होता है देन आपकी जब एक दफ़ा पेमेंट आ जाती है देन ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट आती ही रहती है फिर आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है अच्छा ये तो अभी आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि पेमेंट किस तरह से आती है किस वक्त आती है और आपने किस तरह से रिसीव करनी है बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अब हम कौन सा बैंक जो है वहाँ पर जा अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं पहली बात तो ये कि ये बहुत एक डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है और अगर इसी वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी ठीक है और आप लोग लंबी वीडियोज़ तो देखते हो नहीं तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बताऊँगी लेकिन एक छोटी सी मैं आपको आ, टिप दे देती हूँ कि अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है या ना तो आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक में खुलवाओ क्योंकि वहाँ पर टैक्स थोड़ा कम लगता है या आप थोड़ी सी सर्च कर लो कि कौन सा बैंक ऐसा जो आपके करीब है उसमें वो फॉरेन ट्रांजैक्शन पे कम टैक्स काटते हैं क्योंकि जब एक बार आपके YouTube से पैसे आ जाएंगे देन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स होता है ना वही कटेगा उसके अलावा और कोई पैसे आपके नहीं कटने हैं वो बाकी सारे पैसे आपके ही होंगे ठीक है तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ आई होप सो so, आपके सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया होगा और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे बिला झक कोमेंट के अंदर मेरे इंस्टा पे फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पर भी पूछ सकते हो मैं ऑल सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ और इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बैंक का सिस्टम क्या है और जो लोग बिल्कुल जिनके 95 डॉलर हो जाते हैं और तब बैंक के पास जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए वो बहुत बड़ी गलती करते हैं तो ये तमाम डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तब तक के लिए हाफिज़